और अब आपका तारुफ कराते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरजाना राजा में ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी आज के प्रोग्राम में, चेयरमैन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की और मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेज़ रशीद PMLN की माफ़ कीजिएगा नुमाइंदगी करेंगे और आम तौर पे बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो अपनी पार्टी की पोजीशन को बयान करते हैं। और सेनेटर तारिक अजीम जो है वो PMLQ की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे और हमें ये बताएंगे कि सारी सूरत हाल में उनकी पार्टी का क्या मौकफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहमानों का कि हमें उन्होंने ज्वाइन किया। फरजाना राजा साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। मैं जो अभी ये शुरू में जो कह रहा था कि इसमें एक बुरी सूरत हाल में से, एक बहरान से हम निकल आए हैं और इसमें गवर्नमेंट को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन वी हैव टू बी कॉशियस कि एक गलती हुई, उस गलती को दुरुस्त करना अच्छी बात है लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं है जैसे कि गवर्नमेंट इसको पोर्ट्रे कर रही है। अग्री करेंगे आप? मैं फहद साहब आपको याद कराना चाहती हूं कि आज से दो दिन पहले मैं आपके प्रोग्राम में, आपने मुझसे कमेंट्स लिए थे इसी तरह से इसी इशू पर, तो मैंने एक चीज गुजारिश की थी आपसे कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है जिसको आईनी बहरान और अदलिया का बहरान और हुकूमती बहरान और हुकूमत जाने वाली, और कुछ लोग तो प्लानिंग कर चुके थे कि जाते हुए हम कैसे लगेंगे, दिखेंगे कैसे, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपसे गुजारिश की थी कि ये मुल्क में कोई बहरान नहीं है, हुकूमत हो या अदलिया हो या कोई भी अदारे हों, आपस में जब कुछ चीजें तय की जा रही होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसमें कंसल्टेशन होती है, नुक्ता नजर में जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई बहरान पैदा हो गया है। और आज आपने देखा कि कितनी खुश उसलूबी के साथ ये मामला तय पाया है। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि जहां वजीर आजम पाकिस्तान इतनी मेहनत के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी है और हुकूमत की और कैबिनेट की नुमाइंदगी भी करते हैं, वो मसाइल को हल करते हैं, लेकिन वो भी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोशे में, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो सदरे पाकिस्तान भी हैं, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन करके, और आज उन्होंने अपनी स्पीच में उसका जिक्र भी किया कि हर मरहले पर उनके साथ मशवरा जारी रहा और उनकी मर्जी से ये फैसले हुए, तो ये बहुत खुशाइन है पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। ये पहले भी बहरान नहीं था, आज भी नहीं था, लेकिन जहां तक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कोई शिकस्त और फतह वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये रूटीन मैटर्स है और रूटीन मैटर्स को खुश उसलूबी से हल करना दानिशमंद और बेहतर हुकूमतें और चलाने वालों का ये काम है, और जो उन्होंने खुश उसलूबी से निभाया। ठीक है, अच्छा तारिक अजीम साहब हमें जॉइन, तारिक साहब योर टेक ऑन दिस, क्या आपका रिएक्शन क्या है जो आज कुछ आज सारा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि किसी की जीत या हार इसको नहीं देखना चाहिए इस तरीके से। मुझे ज्यादा खुशी होती कि अगर यही मामला जो है कोर्ट रूम के अंदर सेटल किया जाता, क्योंकि ये केस कल सुना जाना था और ये एक मुझे उम्मीद है कि एक नई हम प्रेसिडेंट कायम करने नहीं जा रहे कि जहां पे जो फैसले हैं कोर्ट्स के वो कोर्ट के बाहर किए जाएं। ये एक नई एक डेवलपमेंट थी, बहरहाल अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जो कोर्ट का जो जुडिशरी का फैसला था या अपने चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला था, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जजेस के बारे में, उसको फाइनली हुकूमत ने मान लिया। क्या ये अच्छा होता कि इसको पहले इसको सॉर्ट आउट किया जाता, लेकिन ये जो ब्रिंग्समैनशिप है कि लास्ट मिनट तक अपने फैसले पे अड़े रहना, और फिर लास्ट मिनट पे जैसे NRO की मौके पे जब बिल पेश किया गया था नेशनल असेंबली में, तो लास्ट मिनट तक उसको अपनी बरकरार रखा फैसला और फिर लास्ट मिनट पे उसको विड्रॉ। तारिक साहब मुझे ये बताइए कि क्या ये कहना गलत होगा कि अगर हुकूमत जो है वो जो आज डिसीशन हुआ है, जो फैसला हुआ है, उसमें जो अदलिया ने पहले कहा था वही हुआ, वही सिफारिशात वापस हुई, तो ये कहना क्या गलत होगा कि या दुरुस्त होगा आपके ख्याल में कि हुकूमत ने शुरू में गलत फैसला किया, उसको गलत मशवरा मिला और उस गलत फैसले को हमें गलत तस्लीम करना चाहिए और कोई करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए?
जी बिल्कुल लेने चाहिए, बल्कि एक मुफ्त मशवरा है हुकूमत के लिए कि जिन लोगों ने जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से जो राय दे रहे हैं हुकूमत को इस वक्त, और बहुत सारी चीजों में इस किस्म की राय आ रही है जिनको मशवरा गलत दिया जा रहा है, उसके बारे में एक दो लोगों को अगर ये फारग कर दें तो मैं समझता हूँ अगले मुस्तकबिल के लिए फायदा साबित होगा हुकूमत के लिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस किसी ने भी गाइड किया जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से बात की कि इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है जजिस की रेस्टोरेशन की, या जिसने भी उसे कहा जी कि मैंने अपना जो है ओथ लेने से पहले मैंने लोगों को रिस्टोर कर दिया, जिसमें और नई चीजें फिर नए तिराजे शुरू हो जाते हैं। वो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कह दिया कि वो मशवरा उन्हें मिला था, उन्होंने नहीं माना जी, ये उन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है। इसमें फरजाना राजा साहब बिल्कुल हमारे में थोड़ा सा वक्त है, ब्रेक के बाद भी मैं वापस आपके पास आऊंगा कि ये जो चीज निकल के सामने आ रही है वो मेरे ख्याल परवेज रशीद साहब के साथ लाइन ड्रॉप हो गई है जी, तो जो गलत मशवरे मिल रहे हैं लेकिन कुछ जगह पे उन जहां पे उन मशवरों को माना जा रहा है तो हुकूमत से गलतियां हो रही हैं, जहां पे वजीर आजम साहब उन मशवरों को रद्द कर रहे हैं वहां पे हुकूमत को कामयाबी मिल रही है। देखिए मैं बहुत वाजिया तौर पर एक चीज कहना चाहती हूँ फहद साहब, जो जरूरी है कि ये बात पूरी हो। एक तो मैं कहूंगी तारिक अजीम साहब से कि अगर मशवरे के ऊपर पैसे लग जाएं तो यकीनन और या उसकी कोई फीस हो जाए तो फिर वो मुफ्त मशवरा कभी भी नहीं देंगे, उनके लिए भी मसला होगा। जहां तक ताल्लुक है फैसलों का, ये मुशावरत का एक तरीकाकार है, आईन में वो दर्ज है, ये कोई नई बात या कोई नया ट्रेंड नहीं सेट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है आईन के अंदर कि चाहे अगर लाहौर हाई कोर्ट है तो वहां के चीफ जस्टिस सीएम के मशवरे के बाद एडवाइस गवर्नर को जाती है, इसी तरह से फेडरल की लॉ मिनिस्ट्री से होती हुई प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसकी नोटिफिकेशन करते हैं या फैसला करते हैं, तो कंसल्टेशन के साथ ये सारी चीजें आईन में दर्ज है और कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है और हुआ है। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ने कोई इंतजामी तौर पर गलत फैसला किया था, एक्चुअली वो ये जो आज हुई है जी, अगर यही तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में कहा था, देखिए यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में कहा था कि कागज के अंदर और समरियों के जरिए भेजी हुई बात, और उन्होंने एक जनरल मुशर्रफ की भी मिसाल दी थी, ये कंसल्टेशन नहीं होती, कंसल्टेशन वही होती है जो पर्सनली बैठ के हो, और उन्होंने एक बड़ी वाजिया बात कही है कि जब तक कोई नया तरीकाकार आता है अमेंडमेंट होती है तब तक यही तरीका रहेगा, फिर अमेंडमेंट के बाद जो पार्लियामेंट फैसला करे जी। ठीक है, जस्ट होल्ड दैट थॉट, यहाँ पे मैं एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहेगा हमारा।